आप ये भंडारा देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर भंडारा हो रहा है। और एसएम न्यूज़ चैनल के जो संस्थापक हैं उन्होंने अपनी मर्जी से हर साल यहाँ भंडारा करते हैं, और ये आप देख रहे हैं पूरे एसएम न्यूज़ चैनल का जो पूरा परिवार है यहाँ बड़े मेहनत कर रहे हैं और ये देख रहे हैं। और जो बड़े सर हैं हमारे कैरी सिंह सुमन जी, एक आस्था होती है, एक सिद्धांत होता है। एसएम न्यूज़ चैनल के संस्थापक आदरणीय कैरी सिंह सुमन जी ने एक अपने मन में एक आशा रखी कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। सर, ये आप हर साल इस तरीके की समाज की सेवा करते हैं, एक आप अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, और अधिकारी अपने घरों में बैठे रहते हैं, एक आपके दिल के अंदर एक ऐसी आस्था कि मैं समाज की सेवा करूँ। मैं अधिकारी किसकी वजह से बन रहा हूँ ये बताइए, बाबा साहब की वजह से और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, क्योंकि जब इनका कोई आशीर्वाद नहीं होता तो आज इस पोस्ट पर नहीं होता, न मेरे पास घोड़ा होता, न गाड़ी होती, न मेरे पास कोठी होती, आज सब इनकी बदौलत है। तो क्यों मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे पे इतना कर्ज है, जीवन भर नहीं चुका सकता हूँ। तो ये अपने समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत मेरे से दान पुण्य हो जाए, या इस बारे में कुछ मैं कुछ कर सकूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैंने सोचा है कि 14 अप्रैल और बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ इनके से ये किया जाए, इसलिए यहाँ पर खीर का बंदोबस्त है, इस प्रकार का जो बंदोबस्त है भंडारे का, ये पब्लिक के लिए, ये गरीब पब्लिक के लिए, और इनको आस्था बने कि आज के दिन हमारे भगवान बुद्ध की, आज का जो कुछ भी, आज इनका जन्म हुआ था, आज ही इनको सब कुछ इनको ग्रहण किया था और आज ही इनका समाज, इसलिए ये सब कुछ आज बुद्ध पूर्णिमा सबसे, ये पहला एक भगवान है जो पहले एक श्रेष्ठ हैं जिनका सब कुछ तीनों चीज़ इनके एक साथ हुई है, ऐसा अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। तो मेरी आस्था है, हमेशा मैं आस्था रखता हूँ कि दो त्यौहार है मेरे, बुद्ध पूर्णिमा और 14 अप्रैल, इसके दिन मैं कुछ न कुछ महापुरुषों के लिए करूँ, ये मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जो मेरे से हो जाए वो मैं कर रहा हूँ, और इसमें सारा ही मेरा परिवार मैं जुटा रहता हूँ, मेरे बच्चे भी अधिकारी हैं, मैं खुद तो अधिकारी रिटायर हुआ हूँ, ये सब इन्हीं का मेरा आशीर्वाद है। सिंह साहब, ये मैंने देखा कि ये बहुत साल के बाद, या मतलब ये 14 अप्रैल या बाबा साहब की जयंती और भगवान गौतम बुद्ध की जयंती अप्रैल के महीने में पहली बार आई है, कितना अच्छा सुहाना। यस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों हमारा जो त्यौहार है एक ही महीने में पड़ रहे हैं, ये बहुत अपार खुशी है। और ये साल में कहना चाहिए 2018 हमारी बहुत बढ़िया साल है, और आने वाली 2019 और बढ़िया होगी, क्योंकि हमारा समाज में बहुत चेतना आ गई है, ये जितना भी देख रहे हो सब ये हमारा वही समाज है, बुद्धि समाज है हमारा, जो भगवान बुद्ध से जो बिलोंग करते हैं वही हैं, जो करुणा के सागर हैं, जो करुणा को समझते हैं, दुख दर्द को जो समझ रहे हैं वही लोग यहाँ पर हैं, ये पीड़ा समझे, इनके दिल में पीड़ा है कि हम भी भगवान बुद्ध के तरह बने और उनकी तरह ही हम सत्ता की चलें। लेकिन सिंह साहब, आप भगवान गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं और बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के अंदर एक शांति का भाव होता है, शांति बनाने वाली बात होती है, लेकिन जो सामने वाला है वो एक घाव ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है, तो हम कब तक धर्म के अंदर एक अनुयायी बने रहे? आपने देखा होगा कि हमारे भगवान बुद्ध पर न कोई कृपाण है, न चाकू है, न कोई चीज़ है, लेकिन बाकी आपके हिंदुओं में देखेंगे वो कोई न कोई ऐसा उनके पास औजार होता है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है, और ये यही एक शांति का दूत है, और जो कुछ भी होता है कि ये हर चीज़ शांति से होती है, और शांति भगवान बुद्ध ने अपनाई थी, और ये आप लोग जो कुछ भी सीखेंगे और शांति से ही आपको सब कुछ मिलेगा, वो अपने कर्म करते जाइए, आप अपनी शांति पर चल जाइए, आप एवरीथिंग विल गेट यू विल गेट एवरीथिंग। सिंह साहब, आप क्या मतलब एक संदेश देना चाहते हैं आम जनता के लिए? संदेश जनता को यही है कि ये जनता, जब तक ये जनता एकजुट नहीं हो जाएगी, शांति रखें, ये कोई औजार की जरूरत नहीं, कोई इनको बंदूक की जरूरत नहीं, कोई कृपाण की जरूरत नहीं है, इनको एक है, ये जब तक यूनिटेड नहीं होंगे, जब तक संगठित नहीं होंगे, ये कुछ नहीं होगा इनके लिए। सबसे बड़ा औजार यही है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बोला था कि जब तक हमारी यूनिटी बनेगी, जब तक हमारा संघ नहीं बनेगा, हम यूनाइटेड नहीं होंगे और एक झंडे के नीचे नहीं होंगे, हमको विघटनकारी बने रहे। इसलिए अब हमने ठटा है, हमारे समाज ने ठटा है कि हम सब एक होंगे और एक झंडे के नीचे रहेंगे, इनकी उम्मीद है कि एक झंडे के, नीले झंडे के नीचे आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, ऐसी हमारी आस्था है। बहुत अच्छी बात है सिंह साहब, जो एसएम न्यूज चैनल के संस्थापक हैं उन्होंने अपने विस्तार से भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताया, और एक एक शब्द के अंदर एक ये झलकता है कि जो अभी उन्होंने साफ कह दिया कि 2019 के अंदर हम सरकार बनाएंगे और नीला झंडा फहराएंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने एक कहा था कि एक धर्म को हम लेके चलते हैं जिसके अंदर शांति भावना की बात बताते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं ये घाव ठीक नहीं होता उससे पहले दूसरा घाव दे दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक ये बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान गौतम बुद्ध के पास में ना कोई हथियार है ना कोई किस तरीके से है, वो शांति स्वभाव से ही, शांति व्यवहार से ही, उन्होंने उंगली मार बदमाश को भी एक ऐसी शिक्षा दे दी थी, वो भी एक अपने समय में आके बहुत ज्ञानी बना, एक दीर्घ ज्ञानी बना। तो इस तरीके से सिंह साहब की सोच है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।